महाराणा प्रताप के नाम से भारतीय इतिहास गुंजायमान है। यह एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने मुगलों को छठी का दूध याद दिला दिया था। इनकी वीरता की कथा से भारत की भूमि गौरवान्वित है। महाराणा प्रताप मेवाड़ की प्रजा के राणा थे। वर्तमान में यह स्थान राजस्थान में आता है। प्रताप राजपूतों में सिसोदिया वंश के वंशज थे। यह एक बहादुर राजपूत थे जिन्होंने हर परिस्थिति में अपनी आखिरी सांस तक अपनी प्रजा की रक्षा की। इन्होंने सदैव अपने एवं अपने परिवार से ऊपर प्रजा को मान दिया। एक ऐसे राजपूत थे जिसकी वीरता को अकबर भी सलाम करता था। महाराणा प्रताप युद्ध कौशल में तो निपुण थे ही, लेकिन वे एक भावुक एवं धर्मपरायण भी थे। उनकी सबसे पहली गुरु उनकी माता जयवंता बाई जी थी। महाराणा प्रताप का जन्मदिन आज के कैलेंडर के अनुसार 9 मई 1540 में उत्तर दक्षिण भारत के मेवाड़ में हुआ था। हिंदी पंचांग के अनुसार यह दिन ज्येष्ठ महाशुक्ल पक्ष की तीज को आता है। आज भी इस दिन राजस्थान में प्रताप का जन्मदिन मनाया जाता है। प्रताप उदयपुर के राणा उदय सिंह एवं महारानी जयवंता बाई के पुत्र थे। महाराणा प्रताप की पहली रानी का नाम अजबदे पुनवार था। अमर सिंह और भगवान दास इनके दो पुत्र थे। अमर सिंह ने बाद में राजगद्दी संभाली थी। महारानी जयवंता के अलावा राणा उदय सिंह की और भी पत्नियां थीं, जिनमें रानी धीरबाई उदय सिंह की प्रिय पत्नी थी। रानी धीरबाई की मंशा थी कि उनका पुत्र जगमाल राणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी बने। इसके अलावा राणा उदय सिंह के दो पुत्र शक्ति सिंह और सागर सिंह भी थे। इनमें भी राणा उदय सिंह के बाद राजगद्दी संभालने की मंशा थी, लेकिन प्रजा और राणा जी दोनों ही प्रताप को ही उत्तराधिकारी के तौर पर मानते थे। इसी कारण यह तीनों भाई प्रताप से घृणा करते थे। इसी घृणा का लाभ उठाकर मुगलों ने चित्तौड़ पर अपना विजय पताका फैलाया था। इसके अलावा भी कई राजपूत राजाओं ने अकबर के आगे घुटने टेक दिए थे और अधीनता स्वीकार की, जिसके कारण राजपूताना की शक्ति भी मुगलों को मिल गई, जिसका प्रताप ने अंतिम सांस तक डटकर मुकाबला किया। लेकिन राणा उदय सिंह और प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। आपसी फूट एवं पारिवारिक मतभेद के कारण राणा उदय सिंह एवं प्रताप चित्तौड़ का किला हार गए थे, लेकिन अपनी प्रजा की भलाई के लिए वे दोनों किले से बाहर निकल जाते हैं और प्रजा को बाहर से संरक्षण प्रदान करते हैं। पूरा परिवार एवं प्रजा अरावली की तरफ उदयपुर चला जाता है। अपनी मेहनत और लगन से प्रताप उदयपुर को वापस समृद्ध बनाते हैं और प्रजा को संरक्षण प्रदान करते हैं। अकबर से डर के कारण अथवा राजा बनने की लालसा के कारण कई राजपूतों ने स्वयं ही अकबर से हाथ मिला लिया था, और इसी तरह अकबर राणा उदय सिंह को भी अपने अधीन करना चाहते थे। अकबर ने राजा मान सिंह को अपने ध्वज तले सेना का सेनापति बनाया। इसके अलावा तोडरमल राजा भगवान दास सभी को अपने साथ मिलाकर 1576 में प्रताप और राणा उदय सिंह के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। यह इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। इसमें मुगलों और राजपूतों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें कई राजपूतों ने प्रताप का साथ छोड़ दिया था और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1576 में राजा मान सिंह ने अकबर की तरफ से 5000 सैनिकों का नेतृत्व किया और हल्दी घाटी पर पहले से ही
3,000 सैनिकों को तैनात कर युद्ध का बिगुल बजाया। दूसरी तरफ अफगानी राजाओं ने प्रताप का साथ निभाया। इनमें हाकिम खान सुर ने प्रताप का आखिरी सांस तक साथ दिया। हल्दी घाटी का यह युद्ध कई दिनों तक चला। मेवाड़ की प्रजा को किले के अंदर पनाह दी गई। प्रजा एवं राजकीय लोग एक साथ मिलकर रहने लगे। लंबे युद्ध के कारण अनजल तक की कमी होने लगी। महिलाओं ने बच्चों और सैनिकों के लिए स्वयं का भोजन कम कर दिया। सभी ने एकता के साथ प्रताप का इस युद्ध में साथ दिया। उनके हौसलों को देख अकबर भी इस राजपूत के हौसलों की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाया। लेकिन अन्न के अभाव में प्रताप यह युद्ध हार गए। युद्ध के आखिरी दिन जोहार प्रथा को अपनाकर सभी राजपूत महिलाओं ने अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया और अन्य ने सेना के साथ लड़कर वीरगति को प्राप्त किया। उस समय सबसे वरिष्ठ अधिकारियों ने राणा उदय सिंह, महारानी धीरबाई जी और जगमाल के साथ प्रताप के पुत्र को पहले ही चित्तौड़ से दूर भेज दिया था। युद्ध के एक दिन पूर्व उन्होंने प्रताप और अजबदे को नींद की दवा देकर किले से गुप्त रूप से बाहर कर दिया था। इसके पीछे उनका सोचना था कि राजपुताना को वापस खड़ा करने के लिए भावी संरक्षण के लिए प्रताप का जिंदा रहना जरूरी है। मुगलों ने जब किले पर हक जमाया तो उन्हें प्रताप कहीं नहीं मिला और अकबर का प्रताप को पकड़ने का सपना पूरा नहीं हो पाया। युद्ध के बाद कई दिनों तक जंगल में जीवन जीने के बाद मेहनत के साथ प्रताप ने नया नगर बसाया जिसे चावंड नाम दिया गया। अकबर ने बहुत प्रयास किया लेकिन वो प्रताप को अपने अधीन न कर सका। अजबदे सामंत नामदे महाराणा प्रताप की पत्नी थी। वह राव राम रखपनवार की बेटी थी। स्वभाव से ही बहुत ही शांत एवं सुशील थी। यह बिजोली की राजकुमारी थी। बिजोली चित्तौड़ के अधीन था। प्रताप की माँ जयवंता एवं अजबदे की माँ अपने बच्चों के विवाह के पक्ष में थी। उस वक्त बाल विवाह की प्रथा थी। अजबदे ने प्रताप को कई परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में साथ दिया था। वो हर तरह से महारानी जयवंता बाई जी की छवि थी। उन्होंने युद्ध के दौरान भी प्रजा के बीच रहकर उनके मनोबल को बनाए रखा था। अजबदे प्रताप की पहली पत्नी थी। इसके अलावा उनकी 11 पत्नियां और भी थी। प्रताप के कुल 17 पुत्र एवं 5 पुत्रियां थीं, जिनमें अमर सिंह सबसे बड़े थे। वे अजबदे के पुत्र थे। महाराणा प्रताप के साथ अमर सिंह ने शासन संभाला था। चेतक महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा था। चेतक में संवेदनशीलता, वफादारी और बहादुरी कूट कूट कर भरी हुई थी। यह नील रंग का अफगानी अश्व था। एक बार राणा उदय सिंह ने बचपन में प्रताप को राजमहल में बुलाकर दो घोड़ों में से एक का चयन करने को कहा। एक घोड़ा सफ़ेद था और दूसरा नीला। जैसे ही प्रताप ने कुछ कहा, उसके पहले ही उनके भाई शक्ति सिंह ने उदय सिंह से कहा, उसे भी घोड़ा चाहिए। शक्ति सिंह शुरू से अपने भाई से घृणा करते थे। प्रताप को नील अफगानी घोड़ा पसंद था, लेकिन वो सफ़ेद घोड़े की तरफ बढ़ते हैं और उसकी तारीफ़ों के पुल बांधते जाते हैं। उन्हें बढ़ता देख शक्ति सिंह तेज़ी से सफ़ेद घोड़े की तरफ जाकर उसकी सवारी कर लेता है। उनकी शीघ्रता देख राणा उदय सिंह शक्ति सिंह को सफ़ेद घोड़ा दे देते हैं और नीला घोड़ा प्रताप को मिल जाता है। इसी नीले घोड़े का नाम चेतक था, जिसे पाकर प्रताप बहुत खुश थे। प्रताप की कई वीरता की कहानियों में
चेतक का अपना स्थान है। चेतक की फुर्ती के कारण ही प्रताप ने कई युद्धों को सहजता से जीता। प्रताप अपने चेतक से पुत्र की भांति प्रेम करते थे। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक घायल हो जाता है। उसी समय बीच में एक बड़ी नदी आ जाती है, जिसके लिए चेतक को लगभग 21 फीट की चौड़ाई को फलांगना पड़ता है। चेतक प्रताप की रक्षा के लिए उस दूरी को फलांग कर तय करता है, लेकिन घायल होने के कारण कुछ दूरी के बाद अपने प्राण त्याग देता है। 21 जून 1576 को चेतक प्रताप से विदा ले लेता है। इसके बाद आजीवन प्रताप के मन में चेतक के लिए एक टीस सी रह जाती है। आज भी हल्दी घाटी में राजसमंद में चेतक की समाधि है, जिसे दर्शनार्थी उसी श्रद्धा से देखते हैं जैसे प्रताप की मूरत को। प्रताप एक जंगली दुर्घटना के कारण घायल हो जाते हैं। 29 जनवरी 1597 में प्रताप अपने प्राण त्याग देते हैं। इस वक्त तक इनकी उम्र केवल 57 वर्ष थी। आज भी उनकी स्मृति में राजस्थान में महोत्सव होते हैं। उनकी समाधि पर लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। प्रताप के शौर्यता से अकबर भी प्रभावित था। प्रताप और उनकी प्रजा को अकबर समान की दृष्टि से देखते थे, इसलिए हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान उनकी सेना में वीरगति को प्राप्त होने वाले सैनिकों एवं सामंतों को हिंदू रीति अनुसार श्रद्धा के साथ अंतिम विदा दी जाती थी। प्रताप की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र अमर सिंह ने राजगद्दी संभाली। शक्ति की कमी होने के कारण अमर सिंह ने अकबर के बेटे जहांगीर के साथ समझौता किया, जिसमें उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, लेकिन शर्तें रखी गईं। इस अधीनता के बदले मेवाड़ और मुगलों के बीच वैवाहिक संबंध नहीं बनेंगे। यह भी निश्चित किया गया कि मेवाड़ के राणा मुगल दरबार में नहीं बैठेंगे, उनके स्थान पर राणा के छोटे भाई एवं पुत्र मुगल दरबार में शामिल होंगे। इसके साथ ही चित्तौड़ के किले को मुगलों के अधीन दुरुस्त करवाने की मुगलों की इच्छा को भी राजपूतों ने मानने से इनकार किया, क्योंकि भविष्य में मुगल इस बात का फायदा उठा सकते थे। इस तरह महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद मेवाड़ और मुगलों के बीच समझौता स्वीकार किया गया, लेकिन महाराणा प्रताप ने जीते जी इस अधीनता को स्वीकार नहीं किया। विकट स्थिति में भी धैर्यता के साथ आगे बढ़ते रहे। हिंदी पंचांग के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की तीज को आता है, इसलिए प्रतिवर्ष महाराणा प्रताप की जयंती इस दिन मनाई जाती है। इस वर्ष 28 मई 2017 दिन रविवार को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई थी।